कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए निगम प्रशासन अलर्ट जारी करने के साथ ही निगम दफ्तर में नो मास्क नो एंट्री लागू कर दिया है, जिसका कहीं कोई छोर नजर नहीं आया। जांच के लिए बनाए गए काउंटर खाली नजर आए, साथ ही लोग बेझिझक नगर निगम में आते जाते देखे गए। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए निगम प्रशासन अलर्ट जारी करने के साथ ही निगम दफ्तर में नो मास्क नो एंट्री लागू किया है, जिसका कहीं कोई छोर नजर नहीं आया। जांच के लिए बनाए गए काउंटर खाली नजर आए, साथ ही लोग बेझिझक नगर निगम में आते जाते देखे गए। गौरतलब है कि दुर्ग नगर पालिका निगम परिसर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए दुर्ग निगम प्रशासन द्वारा काफी सख्ती बरती जा रही है, जिसका खुलासा निगम को बुधवार में देखने भी मिला। वहीं नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने निर्देश के बाद भी लोगों को बिना मास्क प्रवेश न दिए जाने को लेकर काउंटर बनाए गए हैं, वो भी बस खाना पूर्ति कर खाली पड़े नजर आए। यहां लोग बेझिझक निगम में आ जा रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए निगम प्रशासन अलर्ट है। निगम दफ्तर में नो मास्क नो एंट्री लागू कर दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट से निगम चौकन्ना हो गया है। दुर्ग निगम द्वारा कोविड-19 नियमों के पालन को लेकर सख्तियां बरती जा रही है। इसी कड़ी में शहर क्षेत्र के अंतर्गत कोविड-19 नियमों का पालन न करने पर नगर निगम की टीम लगातार बिना मास्क लापरवाह लोगों पर भी चालानी कार्रवाइयां कर रही है, मगर ठीक इससे उल्टा परिणाम निगम परिसर में नजर आया, जहां लोग बिना मास्क लगाए घूमते नजर आए और साथ ही यहां कोई कार्रवाई करने वाला न दिखा न रोकने आया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।